28 जनवरी 2024 दिन रविवार। ये दिन और तारीख बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव लाई। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया और एक बार फिर से बिहार के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश के पाला बदलने से कांग्रेस आरजेडी समेत विपक्षी दलों का हमलावर होना लाजमी है। सभी के निशाने पर नीतीश कुमार हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, बिहार के किशनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश के एनडीए में शामिल होने से इंडिया गठबंधन के कई नेता राहत की सांस ले रहे हैं। एनडीए में नीतीश की वापसी से इंडिया गठबंधन को उनसे मुक्ति मिल गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश के अलग होने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके जाने से लोग खुश हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा है नीतीश से मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 महीनों से उनका व्यवहार विश्वास के लायक नहीं था। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या योजना बना रहे थे, हम लोग इस बात का पता नहीं लगा सके। आपको बता दें, इस दौरान नीतीश पर तंज करते हुए कांग्रेस नेता ने कई जुमले का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने आया राम गया राम को आया कुमार गया कुमार में बदल दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जयराम रमेश ने नीतीश पर हमला बोला है। इससे पहले भी वो कई बार उन पर तंज कर चुके हैं। कांग्रेस नेता ने नीतीश की तुलना गिरगिट से की थी। उन्होंने कहा था कि रंग बदलने में नीतीश गिरगिट को भी मात देते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता के निशाने पर सिर्फ सीएम ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने पीएम मोदी को झूठ के जगत गुरु करार दिया, कहा कि इन सबके पीछे पीएम मोदी का ही मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही विश्वासघात के विशेषज्ञ यानी नीतीश कुमार के जाने का समय तय किया था। इसी के साथ आपको बताते चले, जयराम रमेश ने कहा कि जब 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उस दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा को पार्टी से अलग करने का मुहूर्त ढूंढ लिया था कि चारों तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बजाय मिलिंद देवड़ा सुर्खियों में आ जाए। इसी के साथ आपको बता दें, जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने फ्लिपिंग मास्टर को फ्लिप करने यानी पलटी मारने का इशारा किया और आखिर उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि नीतीश के जाने से इंडिया महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि ये पूछना चाहिए कि एनडीए पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।